पहले हम जिक्र करेंगे दाढ़ी के बारे में। अक्सर उलमा, जमूर उलमा ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज है। चंद कहते हैं कि सुन्नत मौकेदा है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, लेकिन अक्सर जमूर कहते हैं फर्ज है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जिसमें लिखा है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। एक ही बार पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज आया, जो मैंने तहकीक की पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज एक ही बार आया सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 94 में, जिसमें कहा गया कि हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं ए मेरी मां के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो ना मेरे सिर के बाल से। आप जब भी पढ़ेंगे सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 94, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम जब हारून अलैहिस्सलाम से तेश में आके भड़कते, जब नीचे उतरते पहाड़ी से और देखते कि लोग शिर्क कर रहे, भड़कते उस वक्त हारून अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई फरमाते ए मेरे माँ के बेटे, यानी ए मेरे भाई, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो ना मेरे सिर के बाल से। इससे यह जाहिर होता है कि हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी थी। जितनी मेरी तहकीक है कुरान के बारे में, कुरान मजीद में एक ही बार ये लफ्ज लिया दाढ़ी एक बार आया, लेकिन इनडायरेक्ट दाढ़ी रखना चाहिए कहने वो कुरान मजीद में, इनडायरेक्ट कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादिला चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 13, कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। इससे यह जाहिर होता है इतनी बार कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर आप अल्लाह के रसूल की बात मान रहे तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की बात मान रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दाढ़ी के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में इसका जिक्र है, जिल्द नंबर 7 बुक ऑफ ड्रेस किताबुल लिबास चैप्टर नंबर 64 हदीस नंबर 780, इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू, दाढ़ी रखो और मूछों को कतराओ, कीप द बियर्ड एंड ट्रिम द मुस्टैचेस। उसकी बाद वाली हदीस सही बुखारी किताबुल लिबास बुक ऑफ ड्रेस चैप्टर नंबर 65 चैप्टर नंबर 65 हदीस नंबर 781 इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते कि मूछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह, जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी थी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल, तो एक मुसलमान ने कहा ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकअल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूं कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था मेरा, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती,
कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती है। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का कहना मानने के लिए अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको और सवाब मिलेगा। और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो और सवाब मिलेगा। मैं जानता हूं कि दाढ़ी मुझ पर अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अभी लोग मुझे पहचाने लगे ये दाढ़ी जाकिर भाई क्या मैंने रखा, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था और अल्लाह कहते अतीउल्लाह अती रसूल, तो अगर अच्छी लगती और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगे और फिर भी रखे तो और सवाब मिलेगा। और आम तौर पे आप देखेंगे इंसानों, आम इंसान को अगर आप रफ सर्वे करेंगे तो जितने लोग दाढ़ी रखते हैं दुनिया में 80% लोग जो दाढ़ी रखते हैं वो मुसलमान हैं, 80% तकरीबन मुसलमान हैं, और ये बाकी 20% में से 75% यानी कुल मिला के 15% इंसान जो दाढ़ी रखते हैं वो फौरन मालूम पड़ेगा कि मुसलमान है, क्योंकि उनके पास दूसरी कोई निशानी है। हो सकता है कि सलीब है क्रॉस है तो मालूम पड़ जाता है क्रिश्चियन है, हो सकता है उसके पास निशानी है ओम की या टीका की मालूम पड़ जाता है हिंदू है, या हो सकता है सिख है मालूम पड़ जाता है कि वो सिख है। तो अगर आप कोई दाढ़ी वाले को देखे ये पहचानने के लिए क्या वो मुसलमान है, 95% आप सही होंगे क्या ये मुसलमान है या नहीं है, ये एक लेबल है। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। कुछ लोग अपना इरादा जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि डरते हैं लोग पहचान